सबसे पहले राजकुमार मल्होत्रा पंजाब से, राजकुमार मल्होत्रा जी पंजाब से। जो जो साथी जो वो आह्वान ले चुके हैं वो अपने अपने सीट ग्रहण करें ताकि ज्यादा क्राउड ना इकट्ठा हो। श्री मोहिंदर सरमाल जी पटवारी जी, जो श्री मोहिंदर सरमाल जी श्री महेंद्र सरमाल जी और भी जो असेंबली में भी इनके लिए गया है वहां नहीं होता तो यहाँ मिनिस्टर बन सकते क्योंकि हमने इन्हीं से इस कौम को उठाने की कोशिश की और ये पटेल साहब हो नहीं सकेगा जब तक आप जैसे लोग इनकी मदद करते और सबसे बड़ा फर्ज आपका है इनको जोड़ना, इनको जोड़ना, इनको उस प्लेटफॉर्म पे लाना इनकी आवाज एक। अगर आवाज एक होगी मंडल साहब मैं समझता हूँ भगवान आपको सबसे बड़ी काम वो कर हम भी देखेंगे आपकी आवाज कितनी मजबूत होती है, कितने मजबूती से आप कर सकते हैं और मगर सरकारी नौकरियों में दिया ये मत समझो कि तुम लोग कमजोर हो। वो लोग पुराने जमाने वाले लोग थे जो कहते हैं नहीं इनकी बुद्धि नहीं है, भगवान सबको बराबर पर बुद्धि देगा अगर तुम लोग को इस्तेमाल नहीं करने दिया तो उठने नहीं दिया तो क्या ये नहीं है कैसे फिर चलते मेहनत ईमानदारी से कोई इनके एक उंगली नहीं उठा सकता बल्कि जब ये उस कुर्सी पर बैठे उन्होंने मैं नहीं देखा कौन ब्राह्मण है कौन मुस्लिम है कौन लद्दाखी है कौन जम्मू से है कौन कश्मीर से है इन्होंने इंसाफ करना हर एक से बराबर कोई भगवान के सामने इनको जवाब दे कुर्सी फटे कि क्या मैंने बराबरी की इस कुर्सी पर बैठ या नहीं कोई इनके उंगली नहीं कोई नहीं कह सकता इसने एक पैसा खाया जबकि अगर ये दौलत बनाना चाहते थे इतनी बराबर करते थे तो बयान नहीं कर सकते भगवान के सामने कोई सच्चाई इनको आगे मैं फिर से आप सब भाइयों बहनों बहुत ही आभारी थी आपने मुझे बुलाया मुझे मौका मिला आपसे बात करने और समर्थन कीजिए कि हम सब ठीक रहे हमारा देश ठीक रहे हम तरक्की करें और जो इस देश में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनसे इस देश को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय जम्मू कश्मीर। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा उधर से आप नीचे बैठ जाओ ना थोड़ा ला दो वो तो नहीं आएगा नहीं बताओ मेरे मेरा प्रणाम गुरु जी के इस मौके पे आप सबको निमंत्रण दिया और हम लोग आ सके बहुत अच्छी बात हुई यहाँ पे उन्होंने कई लोगों को मान्य किया इससे के लगा कि आज जब भी आगे आ रहे हैं बहुत काम जैसे कुंडल साहब ने आपसे कहा कि केरा है शत्रुघ्न अगर आप लोगों ने शत्रुघ्न पर मुक्ति हासिल कर ली है तो सबसे बड़ी जरूरी बात है आपको एकता दिखानी पड़ेगी एक दूसरे को मिलकर चलना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात हमने ये भी कही कि चारों
जो गुरु हैं, पांच गुरु हैं, उन पांचों गुरु का एक मंदिर बनना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि सब लोग इकट्ठे होकर कहीं भी जाना नहीं ना उसको याद कर सकेंगे और इन गुरुओं से ताकत मांगेंगे कि इस समाज को उठा सकेंगे, इस समाज को बहुत नीचे कर दिया और सिर्फ शिशु चाहे रिजर्वेशन से नहीं उठे आपके लीडरों को आगे आना पड़े, उन्हें भी सरकार के अंदर कैसे यकीन शक्ति बढ़ी, वैसे आपके बच्चों को सरकारी नौकरियों में आना चाहिए, हर चीज में आपको आगे आना चाहिए। अब जो हमारी असेंबली है उसमें रिजर्वेशन है मगर वो काफी नहीं है, उसमें भी हमें ये देखना चाहिए कि कैसे ये हो सकता है कि हमारी बच्चियां और ज्यादा ज्यादा आ सके और आप लोग इस कौम को ऊपर उठा सके, काट के दे दें और काट के दे दें और आप लोग दूसरे नहीं करिए और ये आज नहीं जैसे अंग्रेज करते थे डिवाइडेड रूल, वैसे आज भी आज भी आदमी को अलग अलग बांटा जाता है, आप कभी ताकत नहीं बन सकते, आपको अगर ताकत बननी है तो इकट्ठे खड़े होकर मजबूती से उस ताकत को बनाना, अभी के हमने खड़ा किया है, क्यों खड़ा है? क्योंकि ये कौम इतनी नीचे है कि जब तक आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा, समझने वाला नहीं होगा, आपको वो सहारा नहीं मिल सकता। इसे मैं इसे वादा करता हूं।